कुछ दिनों से यूपी के कानपुर में हालात ठीक नहीं है। आज जुमे की नमाज को देखते हुए कानपुर में अग्निसूचना तक निषेधाज्ञा CRTC की तरह 144 CRTC लगा दी गई है। मौलवियों ने लोगों से अपील की है कि वे आज शुक्रवार की नमाज के बाद सीधे अपने घर जाएं और सड़कों पर ना घूमें। बता दें कि ये सारा बवाल निलंबित भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नुपुर शर्मा की एक टीवी बहस के दौरान पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी पर है। हालांकि पैगंबर पर दिए गए बयान को शर्मा ने वापस लेते हुए माफी भी मांग ली थी, लेकिन 3 जून को कानपुर में इसे लेकर भारी बवाल छिड़ गया। कानपुर पुलिस ने शुक्रवार की नमाज से पहले संवेदनशील इलाकों में निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया है, वह सुरक्षा टाइट है। बता दें कि पिछले हफ्ते कानपुर में जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा के मामले में पुलिस अब तक 40 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। अब पुलिस उनकी संपत्ति का ब्यौरा जुटा रही है। इस मामले में PFI के सदस्यों की गिरफ्तारी भी हुई है। वह यतीम खाने में नमाज जारी है और नमाजी पहुंच रही है। मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है। 3:30 बजे एक्सप्रेस रोड मस्जिद पर आखिरी नमाज होनी है। बता दें कि हिंसा प्रभावित क्षेत्र के चारों तरफ 3 किलोमीटर के दायरे में 5,000 से ज़्यादा पुलिस फोर्स तैनात है। शहर के सभी नमाज स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। बेकनगंज के 3 किलोमीटर के दायरे में 9 कंपनी PAC में 800 जवान, 3 कंपनी RF में 375 जवान और 7 कंपनी क्विन रिस्पॉन्स टीम में 75 जवान और पुलिस के 3,000 जवान सुबह से ही फ्लैग मार्च कर रहे हैं। इसके अलावा इंटरनेट पर कुछ गलत सूचना न फैलाई जाए, इसके लिए भी लोगों को लगाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।